तीसरी बड़ी खबर की। हरियाणा के विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। सदन में सरकार का घेराव करने के लिए विपक्ष हर पहलू पर मंथन कर रहा है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के विधायक दल की बैठक बुलाई और भर्ती घोटाले समेत उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जिससे विपक्ष सदन में उठाने वाला है। ये बड़ी डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है और उसको तह तक पहुंचने के लिए हम जांच मांग रहे हैं। अब इसका डिसमिसल कर दिया, एक अनिल डागर का, एक डिप्टी सेक्रेटरी का। डिप्टी सेक्रेटरी का सिलेक्शन में कोई मतलब नहीं होता और जब तक इंक्वायरी पूरी ना हो हाईकोर्ट के जज के द्वारा ये अपने उसमें न्याय तभी, ताकि इंसाफ का तकाजा यही है। इसे कमीशन को बर्खास्त करने की आगे कार्रवाई करें, बर्खास्त करवाने की आगे कार्रवाई करें, ताकि जो हरियाणा के युवाओं का जिस प्रकार लूट मची हुई है उनमें एक विश्वास पैदा हो सके। अस्पतालों के 70%, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, आज कह रहे हैं कि भाई ओमिक्रॉन आ सकता है, तीसरी वेव आ सकती है, लेकिन 70% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पद तो खाली पड़े हैं और अकेले हेल्थ डिपार्टमेंट में 10,000 पोस्ट खाली पड़ी हैं। और जो तीसरी लहर की क्या तैयारी हो रही है, जो ऑक्सीजन हमारे पास पूरी है कि नहीं है, पूरी है हुई थी, उसमें बहुत सारे एडजर्नमेंट मोशन हमने तैयार किए हैं, कॉल अटेंशन किए हैं इन मुद्दों पर। नंबरदार का है, जैसे नंबरदार की प्रथा हटाने की तैयारी हो रही है, तो एक बात इनके समझ में आना चाहिए, नंबरदार नहीं तो सरकार भी नहीं है, सबसे नीचे तो वही है, एक कड़ी है सरकार के लिए, उसको ही हटाने की तैयारी हो रही है। ये लगाने के लिए वाली सरकार नहीं है, हटाने वाली सरकार है। टू होल्ड इंक्वायरी इन द मैटर के श्री अनिल नागर अंडर सस्पेंशन इम्पोज द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल। तो इंक्वायरी में क्या मनाही थे, डिसमिसल करता रहे, इंक्वायरी भी होती रहे। और इसी वास्ते हम कहा कि भाई जो है हाई कोर्ट के सिटिंग के जज द्वारा ये किया जाए, क्योंकि जो ये OMR शीट्स हैं जो ब्लैंक मिली गई है।